subscribe to my YouTube channel Tanu Yash Raj Kapil and hit the bell icon to never miss an update. Everyone, welcome back to my channel. This is me Tanu and today I'm going to share with you how to get the perfect base step by step. So perfect base kaise lagana hai wo main aapko bataungi. So the first thing you have to do is you have to moisturize your skin. So to moisturize my skin, I'm using this sunblock from Neutrogena. Aap chahe to koi bhi moisturizer use kar sakte hain, chahe sunblock use kar sakte hain. So step number 2 is primer, and to prime my skin I'm using this the pore professional from Benefit. And what you have to do is you have to apply it on your face, on your forehead, on your nose, on your chin, some on your neck. So yeah, jin logo ki skin zyada oily hai un logo ke liye primer sabse zyada best hai. और साथ ही साथ बहुत ही लाइट वेट है इसका, ऐसा लगता ही नहीं कि आपने अपने फेस पर कुछ अप्लाई किया हुआ है. ओके, सो द थर्ड स्टेप इज अप्लाई फाउंडेशन, एंड हियर आई एम यूजिंग फिट मी फाउंडेशन फ्रॉम मेबेलिन एंड द शेड नंबर इज 310 सन बेज. मेरी स्किन टोन के साथ ये शेड जाता है विच इज सन बेज, एंड आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली ये शेड लीजिएगा. एंड सेम आपको फाउंडेशन को भी अपने फेस पर, फॉरहेड पर, चिन पर, नोज पर, नेक पर, हर जगह अप्लाई करना है. अब यहाँ पर मैंने लिया है ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड माई फाउंडेशन. अब इसे अच्छे से आपको ब्लेंड करना है अपनी स्किन में और बहुत ही प्यार से जेंटली ब्लेंड करना है. आप चाहे तो ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो आप वो यूज़ करें. और ऐसे ज़ोर से रगड़ना नहीं है, मतलब ज़ोर से रब नहीं करना है, उसको ज़ोर से मारना भी नहीं है, बहुत ही जेंटली डैप करना है, बहुत ही प्यार से. मतलब जितना आपके हाथों में प्यार है ना, वो सारा अपना ब्यूटी ब्लेंडर को दे दो, मतलब अपने फेस पर प्यार दिखाओ जितना दिखा सकते हो. सो या अब नेक पे भी अच्छे से ब्लेंड करना है सारा फाउंडेशन. एंड मेक श्योर कि आप अपनी ईयर्स पर भी फाउंडेशन अप्लाई करें, अदरवाइज वो आपके नहीं किसी और के कान लगेंगे. सो स्टेप नंबर 4 इज अप्लाई कंसीलर, एंड हियर आई एम यूजिंग माई कंसीलर विच इज़ फ्रॉम लॉरियल ट्रू मैच, एंड द शेड इज लाइट मीडियम. और इस कंसीलर से हम अपना अंडर आई एरिया कवर करेंगे. और हमेशा आप याद रखिएगा कि इसको वी शेप में लगाएं नीचे की तरफ. एंड अब इसको थोड़ा सा नोज पे लगाना है, थोड़ा सा फॉरहेड पे लगाना है. कंसीलर हमेशा यूज डार्क एरियाज के लिए होता है, जहाँ जहाँ पे आपके अनइवन स्किन टोन है, जहाँ पे भी और आपके डार्क एरियाज हैं, वहाँ पे अगर आप कंसीलर लगाते हैं तो उनको वो हाइड करने में बहुत हेल्प करता है. और आपको कंसीलर हमेशा इसी तरह अप्लाई करना है, स्पेशली आपके अंडर आई एरियाज पे, आंखों के नीचे आपको वी शेप में ही लगाना है नीचे की तरफ. और यहाँ पे मेरा कंसीलर लग चुका है. अब आपको अपना कंसीलर ब्लेंड करना है. यहाँ पे मैंने ब्रश यूज़ किया है, आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे भी आप कंफर्टेबल हों. तो मैंने यहाँ पे ब्रश लिया है और मैं ब्रश से सारा कंसीलर ब्लेंड कर रही हूँ. एंड अगेन आई एम गोइंग टू कंसील माई अंडर एरिया, और इस बार मैं थोड़ा एक शेड लाइट लूँगी, थोड़ा येलो शेड लूँगी. एंड दिस कंसीलर इज़ फ्रॉम माई फेवरेट क्रीम कॉन्टोर किट फ्रॉम अनस्तासिया, और ये क्रीमी फॉर्म में है. तो इसको भी जैसे आपने कंसीलर अप्लाई किया था पहले लॉरियल वाला, वैसे ही अप्लाई करना है. आप चाहें तो ये कंसीलर ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर अपनी इंडेक्स फिंगर यूज़ कर रही हूँ. सेम उन्हीं जगहों पर लगाना है जहाँ पे हमने पहले कंसीलर लगाया था. और यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ,
मैंने सेकेंड लेयर ऑफ कंसीलर जो लिया है वो एक शेड ब्राइट लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका थोड़ा कलर येलोइश है। एंड आप चाहें तो सेकेंड लेयर ऑफ कंसीलर अवॉइड कर सकते हैं। अब आपको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है, और इसके बाद जो स्टेप आता है वो आती है कॉन्टोरिंग। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँ आपके लिए कि कॉन्टोरिंग कैसे करनी है। तो इसके बाद हम कॉन्टोरिंग स्किप करेंगे और डायरेक्ट करेंगे बेकिंग। सो स्टेप नंबर 5 इज बेकिंग। सो फॉर बेकिंग आई एम यूजिंग दिस लूज पाउडर फ्रॉम मेबेलिन फिट मी एंड द शेड इज मीडियम 25। तो आप ये लूज पाउडर लेंगे और अपने अंडर आई एरियाज पर लगाएंगे। सो आपको अपने अंडर आई एरियाज के नीचे फेस पर बहुत ही प्यार से डैप करना है। सो बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि बेकिंग क्या है और कैसे करनी है। सो आपके अंडर आई एरियाज में थोड़े टाइम बाद फाइन लाइंस दिखने लग जाती हैं, क्रीज दिखने लग जाती हैं, तो उसको हाइड करने के लिए बेकिंग की जाती है। मतलब लूज पाउडर से वो स्किन क्रीज फ्री हो जाती है, तो वो फाइन लाइंस नहीं दिखती हैं, तो इसलिए बेकिंग की जाती है। और साथ ही साथ बेकिंग से आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है। एंड लीव इट एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स, और उसको कुछ टाइम इसलिए छोड़ना पड़ता है ताकि वो आपके कंसीलर और फाउंडेशन के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और अब उसको डस्ट ऑफ कर देंगे। एंड या वी आर ऑलमोस्ट डन, और मैंने कॉन्टोरिंग स्किप की है जिसका मैं वीडियो सेपरेटली डालूंगी। सो यहाँ मेरा बेस हो गया है कंप्लीट। सो दिस इज द फाइनल लुक गाइज। आप लोग भी इस वीडियो के हेल्प से बहुत ईजली बेस कर सकते हैं, और मैं आपको मिलूंगी अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज तनु यशराज कपिल। बाय।